वीवो IPL आ चुका है और हर एक मैच से अगर आपको कमाना है 500 रुपया पेटीएम कैश या फिर आप बोल सकते हो बैंक कैश, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा। गाइज, ड्रीम इलेवन और बाकी सारे फैंटेसी एप्लीकेशन तो सभी लोग यूज़ करते होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐप के बारे में बताऊंगा जिसमें से आप डेली 500 रुपये कमा सकते हो। एंड गाइज, ट्रस्ट मी, मैंने कल इस ऐप से 500 रुपये की अर्निंग किया है और मैं आप लोगों को इसका प्रूफ भी देने वाला हूँ कि मैंने इसमें से 500 रुपये की अर्निंग किया है या नहीं। अब आप लोग बोलोगे कि भाई मेरा तो क्रिकेट में नॉलेज है ही नहीं, तो मैं कैसे अर्निंग करूँ? तो देखो, आज से मैं कोशिश करूँगा, जो टीम मैं चूज़ करूँगा वो टीम आप जो टीम है मैं आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर दे दूँगा। अब मैं ये कन्फर्म नहीं बता सकता कि वो टीम ही जीतेगा, उसमें से पॉइंट मिलेगा। अगर आप मेरे नॉलेज के हिसाब से खेलना चाहते हो तो मेरा जो टीम सिलेक्शन है वो मैं आप लोगों के सामने पेश करूँगा हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर। देखो, कल मैंने कोलकाता वर्सेस जो हैदराबाद का मैच हुआ था उस पर 500 रुपये विन किया है, देख सकते हो, ये मेरा ही स्क्रीनशॉट है। एंड उसके अगले दिन का मैच पर मैंने जिस ज़्यादा नहीं से 15 रुपये लगाया था और मुझे 20 रुपये की अर्निंग हुआ था। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊंगा एक फैंटेसी क्रिकेट वाले एप्लीकेशन के बारे में, लेकिन दोस्तों अगर आपको ये अपडेट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है। आपको लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको डेली अपडेट्स चाहिए कि कौन कौन सा टीम कौन कौन सा है, मैं देने की कोशिश करूंगा हर दिन का, जैसे कि मैं हर दिन नहीं लगाता बट मैं देने की कोशिश करूंगा। और अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। और गाइस, इस वीडियो को एक लाइक करना, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग लाइक करो। मेरा पहला वीडियो था IPL की से कैसे 1000 रुपये की अर्निंग कर पाएंगे, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को इस से प्रॉफिट हुआ है। अब इस वीडियो के अंदर भी मैं आप लोगों को एक ऐप के बारे में बताऊंगा जिसमें से आप 1000 रुपये नहीं 500 रुपये कमा सकते हो और इसका प्रूफ भी है। तो सबसे पहले आप लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना है, जाने के बाद इस ऐप को इंस्टॉल करना है, तो इसका लिंक आप लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएगा। जैसे आप इस ऐप को डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड करने के बाद इसके अंदर आप लोगों को अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को 50 रुपये मिलेगा। तो सिंपली आपको सेव करना है और ये फाइल जो है आपके फोन के अंदर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये फाइल आपके फोन के अंदर डाउनलोड हो जाएगा, देन आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है मैन्युअली। एंड देन गाइस, इसके अंदर आप लोगों को अकाउंट क्रिएट करके कैसे अर्निंग करना है, कैसे गेम खेलना है, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सिंपली आप लोगों को इंस्टॉल वाले बटन के ऊपर टैप करना है। जैसे इंस्टॉल वाले बटन के ऊपर टैप करोगे, आपका ये ऐप जो है आपके फोन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। अब देखो, यहां पे मेरा ऐप तो मेरे फोन के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। अब इस ऐप को ओपन करके इसके अंदर आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक कोड चाहिए होगा, जो कोड आप लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो मैंने इसको टेलीग्राम से कॉपी कर लिया। अब मैं ऐप को ओपन करता हूं, तो इस ऐप का नाम है हाला प्ले। इसके अंदर जैसे आप अकाउंट क्रिएट करोगे, आप लोगों को यहां पे मिल जाएगा 50 रुपये साइनअप बोनस। आपको यहां पे साइनअप करना है, ईमेल आईडी से कर सकते हो, फेसबुक से कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं जीमेल से करने की कोशिश करता हूं। यहां पे मेरे पास जो जीमेल आईडी है उसी से मैं यहां पे साइनअप करने की कोशिश करता हूं, तो मेरा अकाउंट मैं यहां पे से लॉग इन कर लेता हूं आप लोगों के सामने। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों को यूज़र नेम पिक करने के लिए बोल रहा है, तो आप जो है यहाँ पे अपना यूज़र नेम पिक करो, अपना मोबाइल नंबर डालो एंड प्रोमो कोड यहाँ पे डालो। प्रोमो कोड डालोगे तभी जाके 50 रुपये साइनअप बोनस मिलेगा। अब यूज़र नेम यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं एंड मोबाइल नंबर यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। आपका साइनअप कंप्लीट होगा। साइनअप कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आप लोगों को इधर जाना है और आपके वॉलेट के अंदर 50 रुपये बैलेंस मिल जाएगा। अगर मैं आप लोगों को मेरा हिस्ट्री चेक करके बताऊँ ट्रांजेक्शन में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका डिटेल्स यहाँ पे सक्सेसफुल आ रहा है। अब ये 50 रुपये आपको मिला किस लिए? अगर आपने साइन अप किया इस लिंक से, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे 50 रुपये मिला है। अब देखो, जो पैसा आपको मिला है उसमें से आप कैसे गेम खेलोगे, कैसे विन करोगे, ये चीज तो आप लोगों को मुझे बताना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको अपना अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो देखो, अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारे ऑप्शन आप लोगों को मिल रहा है। आप लोगों को यहाँ पे सिंपली 3 लाइन के ऊपर टैप करना और यहाँ पे आप लोगों को एड मनी करने के लिए भी बहुत कुछ मिल जाता है। अब देखो, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले 3 लाइन के ऊपर टैप करके वेरिफिकेशन के अंदर जाना है। वेरिफिकेशन के अंदर पहला तो आपका फोन वेरीफाई ऑलरेडी है, दूसरा है आपका ईमेल। ईमेल को आपको वेरीफाई जरूर करना है। ईमेल वेरीफाई करने के लिए आपकी ईमेल पे एक ईमेल आईडी पे मेल आ जाएगा, उस मेल के ऊपर टैप करके आप अपना ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना। जैसे कि देखो, इंस्टेंट मुझे एक मेल आ गया कि जो है मुझे ईमेल वेरीफिकेशन करने के लिए बोल रहा है, तो मैं कन्फर्म ईमेल के ऊपर टैप करता हूँ और यहाँ पे मैं जो है कन्फर्म कर देता हूँ, तो मेरा अकाउंट मतलब मेरा जो ईमेल एड्रेस वो वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं हाला प्ले में चला जाता हूं। हला प्ले में जाने के बाद इसमें से बैक करता हूं और फिर से घुसता हूं इसके अंदर, तो देखो मेरा ईमेल आईडी वेरीफाई यहां पे हो चुका है। तो यहां पे अभी आप लोगों को पैन कार्ड डिटेल डालना पड़ेगा। अब देखो, जो पैन कार्ड का नाम आप डालोगे, अपना पैन कार्ड डाल सकते हो, अपना पापा का भी डाल सकते हो, लेकिन जब बैंक डिटेल डालोगे ना, तब आप लोगों को उसी पैन कार्ड के अकॉर्डिंग जो नाम है उसी नाम का बैंक अकाउंट का डिटेल डालना पड़ेगा। पैन कार्ड का डिटेल डाल के आप जैसे वेरिफिकेशन के लिए लगा दोगे, आप लोगों को 3 से 4 दिन के अंदर यह वेरीफाई हो जाएगा। अब देखो, मेरा ये काम तो हो चुका है, अभी आप लोगों का मेन काम है कि आप लोग कैसे पैसे इसमें से कमा पाओगे। आज है मैच राजस्थान रॉयल वर्सेस पंजाब का, तो देखो इसमें काफी सारे बैट्समैन है। अब इसका टीम मैंने अभी तक चूज नहीं किया है।
अब इसमें से पैसे कमाने के लिए इसमें आप लोगों को सबसे पहले तो एक टीम चूज़ करना पड़ेगा और तगड़ा वाला टीम चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी फ्री नहीं लगता, तो यहाँ पे आपको पहले 50 रुपये साइनअप बोनस मिला है। और अगर आपको और ज़्यादा इसमें से करना है अर्निंग, तो आप यहाँ पे रेफ़र कर सकते हो अपने दोस्तों को। अगर आपका दोस्त इसमें ज्वाइन करता है तो आप लोगों को 50 रुपये मिलता है, और 50 के 50 रुपये इसमें से आप लगा सकते हो। अब देखो, मैं थोड़ा सा नॉलेज के हिसाब से मैं एक छोटा सा मैच आप लोगों के सामने खेल के दिखा देता हूँ। तो 50 रुपये वाला जो मैच है इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ज्वाइन वाले बटन के ऊपर टैप करने के बाद ऐड न्यू टीम के ऊपर टैप करता हूँ, और 50 रुपये मेरे पास बैलेंस है तो मैं 50 रुपये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे से आप लोगों को अच्छे से अच्छे बैट्समैन चूज़ करना पड़ेगा, बॉलर चूज़ करना पड़ेगा, ऑलराउंडर चूज़ करना पड़ेगा और विकेट कीपर चूज़ करना पड़ेगा। थोड़ा सा नॉलेज है तो कर पाओगे। पहला बैट्समैन मैं रखने वाला हूँ स्टीवन स्मिथ को, और उसके बाद क्रिस गेल को। अब अजिंक्य रहाणे भी बहुत अच्छा खेलते हैं, तो अजिंक्य रहाणे और डेविड मिलर, तो मैंने 3 बैट्समैन रख लिया। और मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ संजू सैमसन को, ये भी काफ़ी अच्छा बैट्समैन है। अभी अभी के लिए मैं बैट्समैन को छोड़ देता हूँ। अभी 4 मैंने बैट्समैन ले लिया, अब मैं बॉलर में चला जाता हूँ। बॉलर में कुछ अच्छे से बॉलर से भी से ले लेता हूँ, जैसे कि एंडर थाई बहुत अच्छे बॉलर है। नीचे जाऊंगा तो काफ़ी सारे और आप लोगों को बॉलर मिल जाएगा, और कौन कौन खेल रही है आप लोगों को क्रिकबाज में मिल जाएगा। तो अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे उसी बॉलर को आप यहाँ से रख सकते हो। एंड मैं भी ये करने वाला हूँ, तो धवन कुलकर्णी को मैं रख रहा हूँ यहाँ पे। और मैं बैट्समैन को ज़्यादा रख रहा हूँ क्योंकि बैट्समैन ज़्यादा रन करते हैं, बॉलर से मुझे कोई मतलब नहीं है, उनके रन से मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मैं 2 कर रहा हूँ, जयदेव बुनोदकट को भी रख लेता हूँ। अब ऑलराउंडर में आप लोगों को बेन स्टोक्स, जैसे कि बेन स्टोक्स मुझे अच्छा लगता है तो मैं बेन स्टोक्स को ले लेता हूँ, बेन स्टोक्स बहुत अच्छा खेलते हैं। विकेट कीपर में आपको कोई सा भी रखना है, जैसे कि मैं जॉस बटलर को रख रहा हूँ, आप केएल राहुल को भी रख सकते हो, बेसिकली आपको जो अच्छा लगे उसी को रख सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से केएल राहुल को रखना बेटर होगा क्योंकि केएल राहुल काफ़ी अच्छा खेलते हैं। अब देखो, अभी मेरे पास भी 18.5 क्रेडिट बचा हुआ है, तो अगर मैं चाहूँ तो अभी भी और लगा सकता हूँ। तो बेसिकली अभी आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, अभी और आप लोगों को इधर लगाना है। तो मैं यहाँ पे बॉलर में से किसी एक को हटा देता हूँ, जैसे कि मैं हटा देता हूँ यहाँ पे धवन कुलकर्णी को, और यहाँ पे से मेरे पास अभी 27 क्रेडिट है। तो मैं यहाँ पे से एक जो है मुजीबुर रहमान को रखता हूँ, और 3 9 9 27 होगा, तो मैं यहाँ पे से 2 रख लेता हूँ, और एक बैट्समैन ले लेता हूँ राहुल त्रिपाठी। तो देखो मेरा टीम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, या फिर मैं डेविड मिलर को ले लेता हूँ। अब मैं टीम को सेव करता हूँ। टीम को सेव करने के वक्त आप लोगों को यहाँ पे अपना टीम दिख जाएगा। अब इसमें से आप लोगों को एक बैट्समैन को कैप्टन करना है, जिसके हिसाब से आप लोगों को ज़्यादा पॉइंट मिलेगा। जैसे कि कल वाला जो मैच था जहाँ पर मैंने 500 रुपये जीता था, उधर मैंने जो है कैप्टन किया था डेविड वार्नर को, तो डेविड वार्नर ने काफ़ी अच्छा खेला था, 85 रन किया थे, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा पॉइंट मिला और मैं 500 रुपये जीत गया। अभी इसमें से कौन सा बैट्समैन अच्छा खेलेगा ये तो कोई नहीं बता सकता, बट टाइम के हिसाब से आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा, उसी बैट्समैन को रखना पड़ेगा। तो देखो मेरे को जो लगता है केएल राहुल अच्छा खेलेगा, तो मैं केएल राहुल को करता हूँ, क्योंकि केएल राहुल काफ़ी T20 का अच्छा बैट्समैन है, तो केएल राहुल को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ और मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं ज्वाइन लीग के ऊपर टैप करता हूँ। देखो मेरा जो लीग है मैं ज्वाइन कर चुका हूँ। अब मैं इसमें से बैक करता हूँ और माई मैचेस में जाता हूँ, तो मैंने जो है ये मैच जीत कर लिया, मतलब ज्वाइन कर लिया ऑलरेडी, यहाँ पे देख सकते हो मैंने ज्वाइन कर लिया। अब मैं यहाँ पे हॉला प्ले को ओपन करता हूँ एंड माई टीम पर जाता हूँ, तो ये मेरा टीम है, और ऐसे मेरा टीम कंप्लीट हो चुका है। अब मेरा बैलेंस भी 0 हो चुका है, तो मैंने जो टीम था वो ज्वाइन पे कर लिया। अब अगर मैं जीतता हूँ, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट होता है, अगर मतलब केएल राहुल अच्छा खेलते हैं, तो उसके हिसाब से मुझे पॉइंट मिलेगा, उसके हिसाब से रैंकिंग होगा, और रैंकिंग के हिसाब से हमें पैसे मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे टोटल जो प्राइस है, पे आउट है, कुछ 1 लाख कुछ 12 लाख के आसपास है, तो 50-50 रुपये करके टोटल मतलब देना पड़ेगा, एंट्री फी इतना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे लोग ज्वाइन करेंगे, और फर्स्ट रैंक को इतना रुपए मिलेगा, जो फर्स्ट रैंक पे आएगा उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। तो अभी मतलब ये पूरा आपकी लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रैंक फर्स्ट आएगा या नहीं। अकाउंट है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये मेरा हाला प्ले का मेन अकाउंट है, ये हाला प्ले का अकाउंट है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। एंड ओपन करने के बाद मैं जाता हूँ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे विड्रॉ वाले बटन के ऊपर टैप करके। तो देखो मेरे पास अभी 520 रुपये विड्रॉ अवेलेबल बैलेंस है, लेकिन मैं इसको अभी रिडीम नहीं कर सकता क्योंकि मेरा पैन कार्ड डिटेल्स अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है, मैंने बैंक डिटेल डाल दिया है। जैसे मैं रिडीम लगाऊंगा ये पैसा मुझे 24 आवर्स के अंदर मिल जाएगा, एंड जो भी मैच आप खेलोगे उस पर अगर विन कर जाओगे तो ये पैसा आपको मिल जाएगा नेक्स्ट डे। तो बेसिकली मतलब IPL के टाइम पे एक बहुत ही बढ़िया जरिया है आप लोगों को पैसे कमाने के लिए। टीम तो मैं आप लोगों को देने ही वाला हूँ, तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो। मैं कोशिश करूँगा हर एक टीम आप लोगों को दे दूँ, मेरे हिसाब से लगाना। मैं ये नहीं बोल सकता कि आप जीत ही जाओगे, बट एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो अर्न कर ही लोगे। मेरे हिसाब से जो मैं करता हूँ आप लोग भी अर्न करोगे, अगर मैं करता हूँ तो आप लोगों को भी पैसा मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, शेयर करना इस वीडियो को, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड